अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बिलोंग करता है वो लेवल फिजिक्स से, और इस टॉपिक का जो नाम है जी वो है प्रेशर। ओ लेवल फिजिक्स 5054। तो अगर प्रेशर के हवाले से बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर कोर्स वी आर डीलिंग विद द स्टैटिक प्रेशर, यानी कि हम ओ लेवल में सिर्फ ऐसे प्रेशर की बात करेंगे जिसमें आपके पास जो बॉडी है वो स्टैग्नेंट होगी, यानी कि मूव नहीं करेगी। यानी कि अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल लेना चाहूँ, अगर ये एक पेपर है और इस पेपर के ऊपर लेट सपोज मैंने एक बॉक्स रख दिया, या यूँ समझे फोम है, इसके ऊपर बॉक्स रख दिया, तो यहाँ पे जो छोटा सा इम्प्रेशन पड़ेगा वो इस पेपर की इस बॉक्स की वजह से पड़ रहा है बेसिकली। लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, इट इज स्टेगनेंट। इट मीन्स द प्रेशर इज एग्जर्टिंग बाय दिस बॉक्स इज नोन एज द स्टैटिक प्रेशर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना दूं और उस कंटेनर में एक सर्टेन हाइट तक पानी भर दूं, पानी इज ऑल्सो स्टैग्नेंट है, देन ऑल द प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय द स्टैटिक लिक्विड, उसी के हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन यूज की जाती है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज बेसिकली द प्रेशर। ये नोट करते हैं हम इसको पी से, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम गोइंग टू राइट इट्स यूनिट, देन द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, देयर एज द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज कलेक्टिवली नोन एज पास्कल्स। पास्कल इज अनदर यूनिट ऑफ एटमोसफेयर। नॉर्मली द यूनिट ऑफ प्रेशर इज 1 ATM और ATM, बट इन पास्कल्स द कन्वर्जन इज 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन विच इज यू नीड टू कीप इन योर माइंड फॉर न्यूमेरिकल सोल्यूशंस। अब अगर हम इस प्रेशर की नॉर्मली बात करें तो एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अगर मैं इस आपके हाथ को इस पेन से दबाऊं तो आई एम एग्जर्टिंग अ फोर्स, एंड द पेन हैज सम एरिया, एंड दिस एरिया इज ट्रांसफरिंग फोर्स थ्रू दिस पेन इन टू माई हैंड। लेकिन मैं कितने भी जोर से लगा लूँ मुझे कोई इतना खास अपने हाथ पे दर्द फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसी पेन की जगह एक छोटी सी पिन लेके अगर यहाँ पे एग्जर्ट करूँ तो मैं हल्की सी फोर्स बढ़ाऊंगा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चुभेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब एरिया बहुत कम हो जाएगा तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपने अक्सर बचपन में करते हुए देखा होगा, अगर हम सूरज की जो लाइट रेज हैं, जैसे एक पेपर है लाइट रेज इस तरह से आ रही, तो पेपर कभी भी नहीं चलेगा। बट इफ आई यूज अ कॉन्वेक्स लेंस हेयर, देन द लाइट रेज विल ऑल कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत छोटा हो जाएगा अब ये पेपर शायद जल जाए, क्योंकि जब एरिया कम हो जाता है तो उस जगह की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ड्यू टू विच द प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अ मैन इज वेयरिंग अ शू लाइक दिस एंड स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर, द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट इफ अ मैन इज वेयरिंग अ शू विच हैज अ पॉइंटेड हील इन इट, देन दिस हील विल एग्जर्ट मच प्रेशर ऑन इट्स नी, बिकॉज यहाँ पे एरिया बहुत कम है तो फोर्स बहुत, प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंस होती है जी इसकी प्रेशर। अब अगर यही काम अगर हम लिक्विड के केस में करना चाहें तो लिक्विड के केस में क्या होगा?
लिक्विड के केस में अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल रखूं, देयर इज अ कंटेनर व्हिच इज फिल्ड विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटर इन इट. मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटर का मतलब इट इज फिल्ड विथ सर्टेन हाइट. द हाइट ऑफ दैट वाटर इज कंसिडर्ड टू बी एच. आई एम कंसिडरिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट. आप समझे एक स्विमिंग पूल है और आप जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली पानी के डीप जाते जाए, जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे लेयर्स बढ़ती जाएंगी, पानी की चादरें आप पे बढ़ती जाएंगी और आप पे लगने वाला प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. आप उसको मालूम कैसे करेंगे? एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करते हैं. हर जगह पे वेट एक्ट कर रहा है, तो आई कैन राइट दिस फोर्स इक्वल टू वेट अपॉन एरिया. और वेट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एम जी अपॉन ए से. ठीक है जी. सिंस डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, यू कैन सी. सो लेट अस राइट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट. सो प्रेशर इज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए. ए से ए कैंसिल एंड यू विल गेट प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ जी एच. इट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और आर प्रेशर इन अ स्टैग्नेंट लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, द ग्रेविटी विद विच द लिक्विड इज एग्जर्टिंग एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द लिक्विड. तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर डीप जाते जाएंगे आप पे लगने वाला प्रेशर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके पास जो कि एक लिक्विड होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लिक्विड चाहे वो गैस हो या अभी नॉर्मली फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मली लिक्विड की बात कर रहे हैं, वो प्रेशर को हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं. एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. आई कंसिडर एग्जांपल, लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर वेसल विच इज फिल्ड विद एनी लिक्विड, एनी ऑयल. लेट अस कंसिडर वॉटर. If I am going to place four pistons here, just like just like this, just like this, now what you are going to see, agar main is piston ko forcefully yahan se dhakka do, to piche aayega. अब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इन मॉलिक्यूल्स में और ये मॉलिक्यूल्स इक्वली इन तीनों पिस्टन्स को बाहर की तरफ मूव करेंगे. यानी कि आप देख सकते हैं प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन. इफ आई कंसीडर दिस एक्स देन दिस विल बी वाई देन दिस विल बी जेड. हर डायरेक्शन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हुआ. यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर in a liquid or fluid is approximately the same, and this is known as Pascal's law. एक simple example हमारे पास Pascal's law कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें हम consider कर सकते हैं एक hydraulic lift. अब जो hydraulic lift है उसमें कुछ इस तरीके से काम किया जाता है. वी मेक अ वेसल वन विद अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. व्हाई इट इज सो आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड अदर विद अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर एक स्टेज या बेंच लगा दी जाती है जिस पर हम जिस चीज़ को भी लिफ्ट करना होता है वो प्लेस कर सकते हैं. द लोअर एंड इज फिक्स्ड विद अ मूवेबल पिस्टन ऑन बोथ साइड्स एंड द होल सिलेंडर इज फिल्ड विद सम काइंड ऑफ अ
liquid in it. This has an area A1, this has an area A2. A1 is less than A2. When I exert some kind of a force in it, the force will transfer to this. But the pressure on both ends will be equal. जैसे जैसे पिस्टन स्लोली ग्रेजुअली नीचे जाएगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, वेट को ट्रांसफर कर देगा. लेट अस कंसिडर द अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पी वन इज इक्वल्स टू पी टू. देन इट मीन्स एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू एफ टू अपॉन ए टू. फोर्सेस को अगर एक जगह पे ले आऊँ और एरियाज को एक जगह पे ले जाऊँ, तो आपको एक बड़ी सिंपल लॉजिक समझ में आएगी. एरिया का फोर्स से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है इस कंडीशन में, जिसमें हम बेसिकली दो प्रेशर्स को कंपेयर करते हैं. तो अगर एरिया कम रखेंगे तो हमें यहाँ पर फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी, विच इज़ ईजी फॉर अस. कि ज़्यादा फोर्स कहाँ से लाएंगे, इतना काम कहाँ से करेंगे. और यहाँ पे एरिया बढ़ाने से यही कम फोर्स जो कंसनट्रेटेड थी आगे चल के एक बड़े से अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और उसने पिस्टन को स्लोली एंड ग्रेजुअली आराम से मूव करा दिया. यही काम हमारी गाड़ी के व्हील्स में भी होता है. जब अगर मैं यहाँ पर कार का स्कीमेटिक बना सकें, ऑल्टो समझ लेते हैं सर. अच्छा जी, ड्राइवर सिटिंग हियर एंड ही इज प्रेसिंग द ब्रेक. व्हेन ही जस्ट प्रेस द ब्रेक, देन दे आर बेसिकली फोर पाइप्स, वन विद दिस व्हील, सेकंड वन विद दिस व्हील, वन विद दिस व्हील एंड द अदर वन विद दैट व्हील. जब ये प्रेस करेगा तो ये प्रेशर इस ब्रेक को, इस व्हील को भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा. एंड ये देयर इज वन पेडल, but the pressure has to be exerted on four wheels. So this is all because of this useful law, which is known as the Pascal's law. So this is the discussion regarding to pressure. In the next video, I am going to discuss manometer, barometers, and some question of your past papers. Thank you.